पर हाँ ये है कोई ज्यादा दिक्कत हो तो वीडियो देख लेना, कोई टाइप का दिक्कत है। जैसे दिख रहे गए क्या? हो गया ना स्टार्ट? ठीक है। हाँ ये आज की क्लास है, बीएससी थर्ड ईयर वाली क्लास है। अब जो पढ़ा रही हूँ वो फर्स्ट ईयर की। मैडम ये थर्ड ईयर का है ये। हाँ, ये फर्स्ट ईयर की। अभी तो पढ़ा है पार्ट 1। हाँ तो पादप रोगों का वर्गीकरण, ठीक है। अच्छा तो इसमें हम पढ़ रहे थे रोग कारक के आधार पे, है ना। रोग कारक के आधार पे हम क्या पढ़ रहे थे कि यानी कि रोग उत्पन्न करने वाले जो कारण हैं वो कैसे होते हैं, सजीव होते हैं या निर्जीव होते हैं। ठीक है, अगर वो सजीव हैं, अगर निर्जीव हैं तो उसे बोलेंगे अपरजीवी प्रकार का रोग कारक, है ना। और अगर सजीव हैं तो परजीवी। परजीवी में फिर दो टाइप के आ जाते हैं ना, कौन कौन से, जंतु द्वारा और पादप द्वारा। जैसे निमेटोड है, प्रोटोजोआ है, कीट है ना। ये जब रोग उत्पन्न करते हैं तो वो हो गया कि जंतुओं के द्वारा रोग उत्पन्न हो गया। और कवक में क्या हो गया, अवपंक कवक का मतलब होता है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड यानी कि न पूरे कवक है और न ही पूरे बैक्टीरिया है वो, है ना, कवक है। अच्छा आगे बात करें, हम लोग बात कर रहे थे निमेटोड के बारे में कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि अगर आधी फसल खराब हो भी गई इस तरीके से तो दूसरी फसल तो बचेगी। यानी एक ही खेत में दो तरीके की फसलों के उत्पादन करना चाहिए, ठीक है, जिससे एक फसल बची रहे तो कम से कम। ठीक, दूसरी चीज इससे क्या होगा, डबल बेनिफिट हो जाता है। ठीक, अगर कोई रोग फैल भी गया पड़ोसी के खेत में तो आपके खेत में एक ही फसल उस रोग के से ग्रस्त होगी, दूसरी वाली नहीं होगी, ये भी एक फायदा हो जाता है। ठीक, अगला हम बात करते हैं कि वायरस के द्वारा। देखो वायरस और वीरोइड्स दो तरीके के जीव होते हैं। ठीक, वायरस तो क्या हो गया, यानी कि विषाणु हो गया जिसमें प्रोटीन का कवर होता है, और प्रोटीन के कवर के साथ साथ डीएनए या आरएनए कोई एक ही चीज होती है। जनरली पौधों में जो रोग उत्पन्न होते हैं वो केवल आरएनए वाले विषाणु ही कर पाते हैं, आरएनए होता है जिनमें। लेकिन हाँ कुछ इसके भी क्या हो जाते हैं, अपवाद आ जाते हैं। ठीक है, एक अपवाद इसका ये है कि जैसे कॉलीफ्लावर है, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस जो होता है वो किसकी वजह से होता है, उसमें डीएनए होता है। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्या आता है, अपने आरएनए को जो उत्पन्न करेगा, आरएनए के चारों तरफ अगर प्रोटीन है तो उस प्रोटीन को क्या कहते हैं, कैप्सिड। ठीक है, वो कैप्सिड कवर है और आरएनए है, तो ये संरचना दोनों जहां इकट्ठी हो जाएंगी वहीं उसको हम क्या बोल देंगे, वायरस या विषाणु। तो विषाणु के द्वारा भी रोग उत्पन्न हो जाता है। दूसरा आता है वीरोइड। वीरोइड्स का मतलब ये है कि जब केवल अनकवर्ड आरएनए यानी आरएनए अकेला जब रोग उत्पन्न कर रहा है जिसके चारों तरफ कोई प्रोटीन नहीं है, कैप्सिड नहीं है, ठीक, तो उस अवस्था में जब विषाणु रोग उत्पन्न करता है तो उसे वायरॉइड कहते हैं, वायरॉइड। ये पूछ लिया जाता है कई बार आप लोगों से, वैसे तो फर्स्ट टाइम मैं बता दिया था कि आपको स्टार्टिंग में वायरॉइड और प्रियॉन दो वर्ड होते हैं। जब केवल प्रोटीन रोग उत्पन्न करने लगे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रियोन। और जब केवल आरएनए रोग उत्पन्न करे तो उसे कहते हैं विरियोइड। ठीक है, आगे बात समझ में, तो विरियोइड और विषाणु दो और होते हैं जो रोग उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं रोग क्षेत्र प्रसार के आधार पर। ठीक है, क्षेत्र प्रसार के आधार पर अगर हम पढ़ें तो क्या होगा, यानी कहाँ कहाँ फैल रहा है, महामारी के रूप में फैल रहा है या किसी क्षेत्र विशेष में फैल रहा है। ठीक है, एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक, इस तरीके के डिजीजेस को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे जो क्षेत्र विशेष में होता है उसे एंडेमिक कहते हैं, जो महामारी की तरह फैलता है उसे एपिडेमिक कहते हैं, जो अनियमित अंतराल पर बार बार हो जाने वाला है, जैसे गर्मियों में हो गया इस साल, फिर थोड़े टाइम बाद फिर सर्दियों में नहीं दिखाई दिया,
फिर अगली बार गर्मियों में फिर से पौधों में वही रोग देखने को मिल गया तो उसे कहते हैं कदाचनिक रोग। कदाचनिक का मतलब होता है स्पोरैडिक। ठीक, तो एक मिनट हाँ, एपिडेमिक पेंडेमिक। ठीक, तो पहले क्या हो गया एपिडेमिक। एपिडेमिक का हिंदी में मतलब होता है, एपिडेमिक को हिंदी में बोलते हैं महामारी। ठीक है, महामारी यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में नहीं फैलेगी, पूरे एरिया को कवर कर लेगी। जैसे कि कॉन्टिनेंटल है, कॉन्टिनेंटल का मतलब हो गया जैसे एशिया महाद्वीप है या रूस का महाद्वीप है ना, मतलब यूरोप महाद्वीप है, तो पूरा का पूरा महाद्वीप में जो फैल गई है, किसी कंट्री में फैल गई और फिर धीरे धीरे उसने पूरे विश्व को कवर कर दिया, तो उस महामारी को बोलते हैं एपिडेमिक डिजीज। ठीक, दूसरी होती है एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है क्षेत्र विशेष में फैलेगी, जो क्षेत्र विशेष में, जैसे भरतपुर भरतपुर में फैल गई है, राजस्थान राजस्थान में फैल गई, क्योंकि राजस्थान का लगभग एटमॉस्फेयर एक जैसा, जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ फैलेगी। ऐसा नहीं है कि जो भरतपुर में रोग फैल गया वो पौधों में, वो माउंट आबू में फैलेगा, नहीं फैलेगा, क्योंकि माउंट आबू तो कश्मीर ऑफ द राजस्थान बोला जाता है ना, सबसे ठंडा इलाका है वो तो। ठीक, तो वहाँ की कंडीशन अलग है, यहाँ की कंडीशन अलग है। दूसरी, क्षेत्र विशेष में हमेशा लगभग थोड़ी हो या ज़्यादा हो, ज़्यादातर कंडीशन में ये रोग बना ही रहता है, ऐसे जो होता है एंडेमिक। ठीक है, दूसरी हो गई महामारी, जो पूरे व्यापक लंबे समय तक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैल जाती है। ठीक है, अगला होता है कदाचनिक यानी स्पोरैडिक। ठीक, स्पोरैडिक का मतलब हो गया कदाचनिक। कदाचनिक का मतलब होता है थोड़े थोड़े टाइम बाद, अंतराल पर, यहां लिख देती हूँ मैं, समय अंतराल पर, निश्चित समय अंतराल पर वापस पुनः उत्पन्न हो जाता है वो रोग। ठीक है, जैसे सर्दी जुकाम आते जाते रहते हैं ना मनुष्यों में, उसी तरीके से निश्चित अंतराल पर कुछ रोग भी हैं जो आते रहेंगे, हर सर्दी में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कई बार नींबू के फल में आपने देखा होगा कि नींबू में ऐसे ब्राउन कलर के पार्ट्स, ब्राउन कलर का जैसा भूरा भूरा सा धब्बा दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, तो भूरे भूरे से धब्बे होने की वजह से क्या है, उसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, हम ये सोच लेते कि शायद एक खराब हो गया है तो हम उसे खरीदना पसंद नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं है, अंदर उसके स्वाद में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, वो एक डिजीज है। ठीक, तो कितना भी हटा लो उसको, वो हटना नहीं है। ठीक, क्षेत्रीय विशेष मैं हो ही जाती है वो, बार बार, कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी, रोग ही ऐसा है। ठीक, बार 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 उतरेगा। दूसरी चीज, परपोषी पौधों में संक्रमण के आधार पर देखते हैं। ठीक है, और अगला क्या, इतने ही है बस, ये तो तीन, क्षेत्र प्रसार के आधार पर। ठीक है, अगला रोगजनक की प्रकृति के आधार पर पहले देखते हैं। ठीक है, तो सजीव, विषाणु, अजीव। ठीक, कुछ नहीं है, इसको बार बार बढ़ा चढ़ा के बताते रहो, भले ही रोगजनक की प्रकृति कहो या रोग कारक के आधार पर, इन दोनों को मर्ज करके आप एक ही हेडिंग के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। ठीक है, अगला प्राथमिक संक्रमण के आधार पर वो बता। प्राथमिक संक्रमण का मतलब है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी पैथोजन या कोई भी रोग कारक होगा, वो कैसे रोग कहाँ उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो अगर संक्रमण के लिए बीज उत्तरदायी है ना, जैसे पौधे के संक्रमित बीजों में अगर रोग कारक उपस्थित है तो उसे बीजोड़ कह देते हैं। ठीक है, अब जब बीज में ही रोग कारक है, तो जैसे जैसे वो बीज आगे बढ़ेगा, ऊपर ग्रोथ करेगा, वैसे वैसे उसके अंदर क्या होगा, रोग कारक भी वृद्धि करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, जैसे स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला है, उसमें बीज में अगर बढ़ गया तो वो पौधे में शुरू से बीज के साथ ही रोगजनक बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो वो क्या हो गया, बीजोड़, जो बीज के द्वारा फैलेगा। ठीक, दूसरा हो गया, जैसे इसका एग्जांपल बता देते हैं आपको, है ना, लूस मट ऑफ वीट। लूस मट का मतलब होता है श्लथ कंड रोग होता है।
श्लथकंड रोग होता है गेहूं में, ठीक है, गेहूं का श्लथकंड रोग, लूज मट, उसमें बाली जो है वो एकदम खिली खिली हो जाएगी और दाने उसमें बच नहीं पाएंगे, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है? अस्टिलागो की वजह से, अस्टिलागो। ठीक है, बीजोड़, बीजोड़ के बाद अगला अष्टिलागु क्या है? कवक है, जो रोग कारक है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है मृदोड़। मृदोड़ का मतलब है मृदा कणों में उपस्थित रहते हैं रोगजनक और मिट्टी के साथ साथ वो संक्रमण फैलाने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, इसको लिख देते हैं मृदोड़, क्योंकि मृदा की वजह से उत्पन्न होता है मृदोड़, ठीक। इसका एग्जाम्पल है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर का मतलब है कि जो सरसों के पौधों में सफेद रोली का रोग होता है ना, श्वेत किट बोलते हैं उसे, ये भरतपुर में सबसे ज्यादा फैलता है, श्वेत किट रोग, सफेद रोली का रोग हो गया ना, कई बार बोलते हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ा होगा कि उसके पौधों की पत्तियों के ऊपर व्हाइट व्हाइट फफोले जैसे पड़ जाते हैं और वो फिर फटने लग जाते हैं, ठीक है। श्वेत किट रोग किसमें होता है? सरसों, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है? वातोड़, यानी वायु के द्वारा संक्रमण, उड़ता उड़ता रोग कारक एक पौधे से आया और वायु के द्वारा दूसरे पर फैल गया, ठीक है, तो उसे बोलेंगे वातोड़। वायु के द्वारा रोग फैल जाता है, जब वायु के द्वारा रोग फैलता है तो उसका एग्जाम्पल क्या है? रस्ट ऑफ सीरिल्स। सीरिल का मतलब होता है खाद्यान्नों में जो किट रोग हो जाता है, किट वर्ड को कहते हैं हिंदी में किट और अंग्रेजी में उसे कहते हैं रस्ट, ठीक है, यानी खाद्यान्न पौधों में किट का रोग हो जाता है, ठीक, तो वो वातोड़ वायु के द्वारा फैलता है वो, ठीक। तो इस तरीके से रोगों के प्रकार हो गए आपके। अब इसके बाद अगला आता है रोग जनकता। रोग जनकता का मतलब होता है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का मतलब है किसी भी रोगकारी सजीव, यानी कि जो रोग उत्पन्न कर रहा है रोग कारक, परपोषी को संक्रमित करके इसके द्वारा रोग उत्पन्न करने की क्षमता जो है, यानी रोग कारक के अंदर रोग उत्पन्न करने की क्षमता ही क्या बोली जाती है? पैथोजेनिसिटी, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो कैसे? सबसे पहले क्या होगा, पौधा जो है वो रंध्रों, पौधे के वात रंध्र होते हैं, जल रंध्र होते हैं, रंध्र मतलब स्टोमेटा, होल्स जो होते हैं। ज्यादातर पौधों में कौन से हिस्से में, जैसे पत्ती है तो पत्ती की ऊपरी सतह से ऊपर नहीं, नीचे वाली सतह पर जहाँ ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, जैसे पत्ती है, ठीक है, तो इस पत्ती में दो सतह हो गई, एक हो गई एबेक्सियल है ना, दूसरी लेटरल, यानी कि एक ऊपरी पश्च सतह और एक अधर सतह, तो अधर सतह पर, नीचे वाली सतह पर ज्यादा होल्स होते हैं, ठीक है, ज्यादा स्टोमेटा हो गए। उन स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, जो जीवाणु वगैरह है, कवक वगैरह है, वो एंटर कर जाते हैं और एंटर करने के बाद पूरे अंदर जाकर के फिर कवक जाल बना देंगे, ठीक है। तो पत्ती की अभ्यक्ष सतह, ये जो है नीचे वाली सतह, यहाँ स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, यहाँ से फैलेंगे, या फिर लेंटिकल्स। लेंटिकल्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा ओस की बूंदे, पढ़ा के तो कॉमन नॉलेज की बात है कि ओस जमने लग जाती है सर्दियों में, ज्यादा वाष्पोत्सर्जन तो कर नहीं पाता पौधा, तो उसके तने पर भी कई बार कुछ रंध्र होते हैं ऊपर, तो ऐसे ही किसी पौधे में ऊपर यहाँ ऐसे ओस की बूंदे जम जाती है ना, तो उसे गटेशन की क्रिया बोलते हैं ना, तो ये यहाँ पर जो रंध्र होते हैं छोटे छोटे, उन्हें लेंटिकल्स, तने पर जब रंध्र होते हैं, जैसे लौकी वगैरह में आपने देखा होगा कि उसके ऊपर बेल का जो, ऐसे बेल का जो तना गया है ना, उसमें यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है ना, तो ये पानी की बूंदे जो है वो किसकी वजह से इकट्ठी हुई, इस तने में जो रंध्र थे उन्हें वायु रंध्र कहते हैं, ठीक है, लेंटिकल्स, तो उनके द्वारा रोग उत्पन्न हो जाए, यानी कि उनके द्वारा क्या होगा, यहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ से पानी वगैरह निकलता है तो उनकी सहायता से भी क्या होगा, इन छिद्रों में होकर के भी कई बार कवक वगैरह अंदर जाएंगे और अंदर जाकर के फिर यहाँ पे अपना कवक जाल फैला देंगे और फिर कवक जाल यहाँ से पोषण लेते रहेंगे और पोषण लेने के साथ साथ इसमें यहाँ पर क्या होगा,
ये अपना बीजाणु धानी वगैरह बनाएंगे, फिर बीजाणु धानियों में बीजाणु बनेंगे और बीजाणु बनने के बाद वो बाहर निकलेंगे। अब बाहर निकलने के उनके अपने तरीके हैं। ज्यादातर क्या होता है, यहाँ से कवक जाल फैलता है और यहाँ से बीजाणु धानियाँ निकलती हैं और वो फटती हैं और फिर यहाँ बीजाणु बहुत सारे फैल जाते हैं और जहाँ जहाँ गिरेंगे वहाँ वहाँ नया अपना कवक जाल बना देंगे। जब तक इनको परफेक्ट सिचुएशन नहीं मिल पा रही है, जैसे मान लो परफेक्ट टेम्परेचर नहीं मिला, प्रकाश पूरा नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तो वो अपने आप को सेफ रखते हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है, मतलब खराब परिस्थितियां भी होंगी तो उसमें भी अपने आप को बचा कर रखने की उनमें कैपेसिटी होती है। स्क्लेरोशिया जो होता है वो इसीलिए होता है, एक काले से रंग का कवर होता है बीजाणु के चारों तरफ, कठोर होता है वो। और वो अगले सीजन में गेहूं की आपने फसल की ना, तो वो अगले सीजन वाली फसल को रोग उत्पन्न कर देगा। 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2-3 साल तक इंतजार कर लेता है वो। ठीक है, तो ये बीजाणु जो है नया कवक जाल बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके के इनका जीवन चक्र चलता है। ठीक, तो पहले क्या हो गया, अंतर्वेशन करेगा। अंतर्भेदन का मतलब है पेनेट्रेशन करेगा, यानी कवक जो है वो होस्ट के अंदर जाएगा और अंदर जाने से पहले क्या होगा, कुछ टाइम आगे यहाँ पे लैंडिंग करेगा, कुछ टाइम पे रुकेगा यहाँ पे। ठीक, तो उसे कहते हैं पूर्व अंतर भेदन। ठीक, या कभी कभी पौधे में कोई कट लग गया, घाव हो गए, तो उसकी उसके थ्रू भी वो पहुंच जाते। ठीक है, अब बाकी की कहानी हम कल पूरी करेंगे। ठीक है।